हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुनर्जन्म के वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। पुनर्जन्म आज एक धार्मिक सिद्धांत मात्र नहीं है, इस पर विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों एवं परमाणु वैज्ञानिक शोध संस्थानों में ठोस कार्य हुआ है। वर्तमान में ये अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकारा जा चुका है। इनमें से सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। विज्ञान के सर्वमय संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता है, मात्र ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही चेतना का नाश नहीं हो सकता। चेतना को विज्ञान में ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था कह सकते हैं। चेतना का मात्र एक शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश संभव है। पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। भौतिक ऊर्जा और आत्म ऊर्जा में फर्क इतना ही है कि आत्म ऊर्जा चेतना युक्त होती है, जबकि भौतिक ऊर्जा चेतना से रहित होती है। कर्म फल एवं जन्म मरण का चक्र पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ है। आत्मा अपनी आवश्यकता के अनुसार एक नया शरीर धारण करती है। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के पश्चात शरीर पुनः इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। किसी कारण, आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार ये आत्मा शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाती है। एक निर्धारित समय तक मुक्त रहने के पश्चात आत्मा अपने पूर्व कर्मों एवं संस्कारों के अनुसार पुनः एक नया शरीर प्राप्त करती है। जब तक कि समस्त पिछले कर्मों एवं संस्कारों का पूर्णतः समापन नहीं हो जाता, आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। शिशु जन्म लेते ही रोता है, स्तनपान करने पर चुप हो जाता है, कष्ट में रोता है और अनुकूल स्थिति में प्रसन्नता प्रकट करता है। शिशु बतख स्वतः तैरना सीख जाती है। इस तरह की घटनाएं हमें विवश करती हैं, ये सोचने के लिए कि जीव पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है। वरन नन्हे शिशुओं को कौन सिखाता है? जन्म और मृत्यु का रहस्य अनंत काल से ही मानव मन की जिज्ञासा का विषय बना रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका उत्तर खोजने का प्रयास करता रहता है। भारतीय दार्शनिक तो पुनर्जन्म स्वीकारते हैं, किंतु विज्ञान अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं ले सका है। ये स्पष्ट धारणा है कि इस सृष्टि में कभी भी कुछ पूर्णतः समाप्त नहीं होता, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो क्या ये संभव नहीं कि जीवन भी समाप्त न होकर परिवर्तित हो जाए? ये समस्त जीवन जगत तरंगात्मक है। जीवन मनोभौतिक तरंगों का समानांतरीकरण है। इसका नियोजन मनुष्य की शारीरिक या मानसिक मृत्यु का कारण है। विज्ञान जगत भी इस बात को स्वीकार करता है कि जीवन तरंगात्मक है। ECG भी इसी बात का प्रमाण है। तरंग ही जीवन है और सीधी रेखा मृत्यु के सूचक है। जब हम ये मानकर चलते हैं कि तरंगे कभी समाप्त नहीं होती, तो हमें ये भी मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी मनस तरंगे ब्रह्मांड में ही विचरण करती रहती है। और जब किसी भौतिक तरंग शरीर से उसका समानांतरीकरण हो जाता है, तो ये उस मनस तरंग का पुनर्जन्म हुआ। आधुनिक विज्ञान जगत ये मान रहा है कि शरीर की मृत्यु के पश्चात मानव मस्तिष्क लगभग 5 या 6 घंटे तक जीवित रहता है। यदि विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो फिर उसे अपने उस कथन को असत्य स्वीकार करना होगा कि जीवन तरंगात्मक है। अक्सर देखने सुनने में आता है कि अधिकांशतः पुनर्जन्म का स्मरण करने वाले शिशु ही होते हैं। इसका कारण है कि शिशुवस्था में उनके संस्कारहीन कच्चे मन से कोई मनस तरंग संपर्क स्थापित कर लेती है, किंतु जब उनका मस्तिष्क अपने ज्ञान और अनुभव को स्वयं परंकित करने में सक्षम हो जाता है, तो शनाय शनाय वो स्मृतियाँ विलुप्त होने लगती हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।